तो यार ये जो हमारे टर्की के चूजे हैं ये कल के ऊपर हैं छत पर, तो यार धूप काफी तेज निकली हुई है, हमारा सेटअप सारा चूस चुके हैं। क्या हुआ है? पकड़ ले यार। तो यार ये देखे ना सारी चूजों की फीड इधर गिरा दी है, छापर भी फाड़ दिया। तो यार ये देखे छापर को भी सुराख कर दिया, इसे उधर पिंजरे के ऊपर रख। तो यार मुर्गियाँ काफी ज्यादा तंग कर देती हैं, तो हमने इधर छुपा कर रखी थी फीड, तो हमारी मुर्गियाँ आई हैं फीड सारी खा गई हैं उनकी, तकरीबन आधा छापर था बाकी सारी खा गई हैं। यार दाना डाल जो इनके लिए लेकर आए हैं, इधर ले यार। यार कुछ चावल बचे पड़े थे वो अपनी मुर्गियों को डाल दिया, मुर्गियां देखे कैसे खा ली हैं जल्दी से। यार वो गंदम पड़ी है थोड़ी सी, वो भी लाकर डाल दे इधर ही। तो पीले देखता मुर्गियों ने अंडा दिया या नहीं। यार नहीं कोई भी अंडा मुर्गियों ने नहीं दिया है, मुर्गियां ना हमारी काफी ज्यादा अंडे खाना शुरू हो गई है। ये देखे ये आप परेशान नजर आ रहे होंगे अंडे टूटे हुए, एक दिन इन्होंने ये देखे यहाँ पर एक से दो अंडे तोड़ कर खाए हैं, काफी ज्यादा अंडे तोड़ कर खाना शुरू हो गई है, तो काफी ज्यादा तंग करती है। डाल दे यार सारी गंदगी नहीं इधर। तो यार ये जो हमारी बजीद की फीमेल है इसने 8 अंडे दे दिया ना समी, इसके 8 अंडे हो गए हैं, तो चलते हैं बजीद के पिंजरे में। यार जल्दी पकड़ा यार, ये कैल्शियम वाला ब्लॉक इसके ना ले दे। क्यों नीचे? यार ये देखो मुर्गी पिंजरे के अंदर आ रही है, ज्यादा तोते यार ऊपर दो। चल ठीक है, इसे अच्छी तरह कपड़े साफ करके ना नीचे मास्टर केज में ले जाते हैं, इसे अच्छी तरह साफ करके रख दे। यार अपने बजीद को ताजा पानी डाल दिया, दाना इनके आगे पहले ही पड़ा था, तोशी और तोता बाहर आए हुए हैं, इन्हें प्यास लगी होगी पानी पीने के लिए। तो बजीद की फीमेल के देखने इसने कितने अंडे दे दिए। तो यार अभी तक इसके 8 ही अंडे हैं, तो पता नहीं इसने इस बार 8 ही अंडे देने हैं, मुझे लगता है इसने 8 ही देने हैं। पिछली बार इसने 5 अंडे दिए थे, इस बार इसने 8 अंडे देकर काफी ज्यादा हमें खुश किया है कि इसने 8 अंडे दे दिए। और हमारे पिंजरे की छत देखें सारी ऊपर से सफेद कलर की हो गया, सारा बालों का ये गंद लग रहा है, बाहर से हमारा सारा सेटअप सूख गया, लेकिन ये जो हमारे बजीद का पिंजरे की छत है ये अभी तक काफी ज्यादा गीली है, हाथ लगा रहा हूँ तो मेरा हाथ हल्का हल्का गीला हो रहा है। तो चलते हैं बाहर, हमारी मुर्गियां वगैरह खुली हैं, उन्हें दाना वगैरह डालते हैं। चल यार गंदम इन्हें ना पिंजरे के अंदर ही डालो, इन्हें बंद करें टर्की के चूजों को छोड़ें। देखें कैसे सारी मुर्गियां भागी भागी पिंजरे के अंदर गई हैं, तो अपने टर्की के चिक्स को खोल देते हैं। तो यार ये बात जो नेस्टिंग मटेरियल हमने अपनी पिंजरों के लिए मंगवाया काफ़ी अच्छा है नेस्टिंग मटेरियल, तो इसे आज हम अपने मास्टर केज के अंदर खोल कर थोड़ा सा डाल देंगे ताकि हमारी फिंच नेस्टिंग स्टार्ट कर दें। उन्होंने नेस्टिंग तो शुरू कर दी है, प्रॉपर तरीके से नेस्टिंग शुरू करें। तो चिक्स को बाहर निकाल देते हैं, आ गए हैं बाहर। अब चील का भी नहीं डर है, चील भी नहीं इन्हें पकड़ सकती, या समय पकड़ लेगी? मुझे लगता है पकड़ लेगी, अभी इनका वजन तकरीबन 100-150 ग्राम होगा। यार वो देखें चील सामने खंभे के ऊपर बैठी हुई है, ये देखें आपको अगर नज़र आ सके, तो ऐसे सीधी उठती है इधर से चूजा उठाती है और भाग जाती है, सारे चूजे बाहर। यार उसने धागा पकड़ लिया है, पकड़ उससे। तो यार टर्की के चूजों को ये थोड़ा ठंडा डालते हैं ताकि एक साल इन्हें सर्दी वगैरह ना लगे, कल से ये ऊपर ही रह रहे हैं, रात टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, लगता इन्हें पसंद नहीं आया समी। पिंजरे में डालते नहीं, इन्होंने नहीं खाना पिंजरे में से, मैं उठा कर लाया पहले मैंने डाला था। ये पकड़ के मुर्गियों को डाल दे, मुर्गियों ने काफ़ी शौक से खाया ना, वो जाली से अंदर फेंक दे सारा। ऐसा नहीं यार इधर डंडा ले खड़ा हो जाए, चील ना आ जाए, चील आ गई तो एक आधा चूजा उठा के उसने ले जाना है। हाँ इधर से ऊपर से डाल दे। यार ये देखो हमारी मुर्गियाँ कितनी भूखी हैं, सारा अंडा खा भी गई हैं, अभी मिनट भी नहीं हुआ डाले को। यार धूप काफी तेज निकली हुई है, शाम हो चुकी है, तो नीचे चलते हैं अपने मास्टर केज के अंदर, टर्की के चिक्स को बंद करते हैं जल्दी से, कोई तकरीबन 10 मिनट और इन्हें खोल लेते हैं। ऐसे चील आ गई है, जल्दी हो आगे। यार ये देखें चील पास से गुजर के गई है छत से, ऐसे नहीं ये भी आ गई है, ध्यान से काफी ज्यादा आ गई है। तो यार 3-4 चीलें उड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कैसे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यार हमारी छत पर एक आ गया कबूतर बैठे है, वो देखें सामने बैठा हुआ है, तो हम जाने लगे थे नीचे मास्टर के अंदर, जो हमने नेस्टिंग मटेरियल मंगवाया वो बखेर निकली है, तो कबूतर आ गया, इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, राम राम से जाता हूँ। भाई दोनों ही नीचे चले गए हैं, तो मैं अकेला ही छत पर हूँ, या ऐसा करता हूँ भाई को बुला लेता हूँ। तो यार भाई को मैंने आवाज़ दे दी है, भाई जल्दी से आ रहा है, चल यार जल्दी आ, कबूतर बैठा हुआ है, जल्दी आ, वो देख अब इसे कैसे पकड़ें।
कबूतर अगर नीचे से ऊपर लेते हैं हमारा कबूतर उठ जाने, ओ यार उठ जाने हमारे कबूतर, उड़ जाने यार, कितनी देर हो गया छत से नीचे लेकर गए हैं। यार ये देखो माशाल्लाह से बजीर का बच्चा हमारे मास्टर के अंदर आगे काफी ज्यादा पीछे है, ये देखे आगे से काटता भी, तो इसे हम कंधे के ऊपर बैठाने की कोशिश करते हैं लेकिन बैठ तो जाता है लेकिन नीचे गिर जाता है। अभी इसके मजबूती नहीं ना सही तरह है पंजों में, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा इसके पंजों में मजबूती काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी तो फिर बैठना शुरू हो जाएगा हमारे कंधों पर, तो फिर हम इसे टेम कर लेंगे। तो यार ये भाई जब हमारी यार वाली फीमेल है इसने पता नहीं कब अंडे देने, मरदाना कहता हूँ कि इसने दो से तीन दिन तक अंडे दे देने लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, अंडे नहीं दे रही। तो आज फिर डब्बे के अंदर गई हुई थी लेकिन इसने अंडा कोई भी नहीं दिया हुआ। तो ये जो हम नेस्टिंग मटेरियल लेकर आए हैं एक को आगे से थोड़ा सा काट कर इस वाली कनाली के अंदर डाल देना, कनाली के अंदर रख देते हैं, फिर हमारी डेबरा से जाएगी इधर से उठा कर अपनी मट्टी के अंदर। हाँ यार वो कल का वो भी इधर बैठता है, क्या कह रहे इधर ही पड़ता है। हाँ कुछ उधर डाल देते हैं, कुछ इधर डाल देते हैं, ठीक है। चल जा नीचे से कैंची ले आए एक को काट, क्या हाँ इधर से रख दे काट दे सर, डाल दे अंदर। यार ऐसे है थोड़ा सा इधर बिखेर देते हैं, थोड़ा सा उधर बिखेर देते हैं, अगर हमारी कबूतर इधर अंडे भी देती है तो अंडा नीचे ला के टूटेगा नहीं। हाँ ऐसा है ना, अंडा नहीं टूटेगा, अंडे उसके महफूज रहेंगे। ये सारा काट के इसके अंदर डाल दे, बाकी का आधा इतना सा काट के उसके अंदर डाल देते हैं। तो इंशाल्लाह वो जो हमारे ऊपर कबूतर बैठे हैं इन्होंने इस वाले कोने के अंदर अंडे दे देने हैं, ये वाले डब्बे के अंदर हमने अभी तक नेस्टिंग मटीरियल नहीं डाला, इस वाले डब्बे के अंदर भी नेस्टिंग मटीरियल डाल देंगे और हमारा कबूतर इधर बैठ गया। तो ये वाला जो पिंजरा इधर हम बाहर निकाल देंगे, डस्टी चिक्स को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये वाले पेड़ ने अभी तक अंडे नहीं दिए, पता नहीं क्या मतलब टोटी के अंदर जाने लगी थी तो मुझे देख कर बाहर आ गया फिर से। और हमारी जैबरा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेस्टिंग कर दी है, ये तो बहुत जल्दी अभी अंडे देने वाली हैं। तो जो शाम टाइम हमारी छत पर आया कबूतर आया था हमने उसे पकड़ लेना था, बस मेरा हाथ से लग गया था उड़ गया। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश करूँ हमारे चैनल बर्डन सिटी को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।